यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में जिला मुख्यालय पर खुली नवीन फल एवं सब्जी मंडी में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग ना तो मास्क पहने दिख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और तो और ज़्यादातर दुकानों पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद सब्जी मंडी में लोगों द्वारा लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि सब्जी मंडी में ही पुलिस चौकी भी मौजूद है, लेकिन शायद किसी का भी ध्यान सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ पर नहीं जा रहा है। हाँ, मंडी में जगह जगह लाउडस्पीकर बांधकर लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने की अपील ज़रूर की जा रही है, और अपील का पालन न करने पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस अनाउंसमेंट का कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। जब इन सब्जी दुकानदारों से मास्क और सैनिटाइजर को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए क्या कुछ कहा इन सब्जी विक्रेताओं ने। जो सब्जी लेने सैनिटाइजर तो पूरा यार मंडी में ये रखता है, यहीं से हाथ धो के आते हैं। सैनिटाइजर है, अरे वो सैनिटाइजर मुँह क्यों नहीं कवर किया? अब भैया बंद कर रहा हूँ, सैनिटाइजर लगाया। सैनिटाइजर कहाँ है? सैनिटाइजर कहाँ है? कहाँ लगाया? दूर रहो थोड़ा, दूर। सैनिटाइजर लगाया? सैनिटाइजर किसे कहते हैं? हम भैया नहीं, देहाती आदमी कहाँ जाने यार। सैनिटाइजर नहीं पता? हमें बताते भैया, हम साबुन लगाते हैं। साबुन है? साबुन यहाँ काम, सब आलू खरीदने आए खाने लिए।